हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम सभी को पता है, मार्केट में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि समरसेबल पंप बनाती है, और अगर आप इन्हीं कंपनियों के बीच बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि कौन सी कंपनी के समरसेबल पंप को लेना चाहिए, तो आज हम इन्हीं कंपनियों में से दो ऐसी कंपनी के समरसेबल पंप हम आपको सजेस्ट करेंगे जो कि आपको बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही कम दाम में बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाती है। और दोनों कंपनियों के बीच में हम कंपैरिजन भी करेंगे, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि किन लोगों को किस कंपनी के समरसेबल पंप को लेना चाहिए। तो जो लोग इस चैनल में नए हैं उनको मैं बता दूं, दोस्तों मेरा नाम है संजय नायक, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी फीड। दोस्तों, हमारे चैनल में आपको प्लम्बिंग से लेकर घर में होने वाले सारे कामों की जानकारी भरे वीडियो आपको हमारे चैनल में आसानी से मिल जाएगी। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सीआरआई कंपनी के समरसेबल पंप्स के बारे में। दोस्तों, ये जो सीआरआई कंपनी है ये हमारे इंडिया का बहुत ही पुराना और बहुत ही जाना माना कंपनी है, जो कि अपने डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर समरसेबल पंप्स के लिए जानी जाती है। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये तमिलनाडु कोयम्बटूर में स्थित है। इस कंपनी में आपको कई सारी वैरायटीज के समरसेबल पंप आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे प्राइस में बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आपको प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों, वैसे तो समरसेबल पंप में कई सारी कैटेगरीज आती है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 HP 10 स्टेज वाले समरसेबल पंप के बारे में, जो कि ज्यादातर घर में यूज की जाती है। तो सीआरआई कंपनी की 1 HP 10 स्टेज की पंप की बात करें तो दोस्तों, ये है सीआरआई कंपनी की तरफ से आने वाला 1 HP 10 स्टेज का समरसेबल पंप, जो कि ऑयल फिलेट के साथ आता है, जो कि सिंगल फेस पावर लाइन से ऑपरेट होता है। बात हम करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 65 mm का डिलीवरी आउटलेट साइज देखने को मिलेगा। बात हम करें इसके हेड रेंज की तो वो आपको 65 मीटर देखने को मिलेगा। अगर इसे हम फीट में कन्वर्ट करें तो आपको 214 फीट देखने को मिलता है, यानी कि 200 फीट बोरिंग के लिए ये समरसेबल पंप काफी सही रहेगा। और साथ ही ये आपको 100 से 140 लीटर पर मिनट पानी थ्रो करके दे सकता है। अगर आपके घर में 1000 लीटर का टैंक लगा हुआ है और इसे सही वोल्टेज में चलाया जाए तो ये आपके टैंक को 12 से 15 मिनट में फिलअप करके दे सकता है। और इसकी मोटर में प्योर कॉपर की वाइंडिंग की जाती है, और साथ ही इसकी अपर बॉडी जो होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है, और इसको चलाने के लिए 220 से 240 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। इसकी जो मोटर है उसकी जो RPM है, कंपनी क्लेम करती है कि इसकी RPM 1900 RPM तक जा सकती है। तो बात करें पावर कंज्यूमिंग की तो दोस्तों, ये समरसेबल पंप 0.7 kW पावर कंज्यूम करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जिंदल कंपनी के समरसेबल पंप के बारे में। दोस्तों, ये जो समरसेबल पंप है ये जिंदल कंपनी की तरफ से आता है, जो कि ऑयल फिलेड साथ ही 1 HP 10 स्टेज के साथ आता है। दोस्तों, अगर आपको ऑयल फिलेड समरसेबल पंप और वाटर फिलेड समरसेबल पंप के बारे में जानना है कि दोनों में क्या फर्क होता है, तो इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। दोस्तों, इस पंप में भी आपको 65 mm की डिलीवरी आउटलेट साइज देखने को मिलेगा। बात हम करें इसकी हेड रेंज की तो वैसे तो कंपनी 40 मीटर तक क्लेम करती है, लेकिन इसे 50 से 60 मीटर में भी यूज किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपको इसे 40 मीटर के अंडर ही यूज करना चाहिए, क्योंकि देखो, सब कंपनी का जो एम्पेलर होता है सबकी क्वालिटी एक जैसी नहीं होती है। ये वैसे तो 10 स्टेज वाला ही पंप है, लेकिन इसे अगर आप अंडर 14 मीटर ही यूज करोगे तो अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। बात हम करें इसकी वाटर फ्लो की तो दोस्तों, ये पंप आपको 80 से 100 लीटर पर मिनट पानी थ्रो करके दे सकता है। इसके प्राइस के मुकाबले इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। दोस्तों, इस पंप के साथ आपको 6 मंथ का काउंटर रिप्लेसमेंट वारंटी भी देखने को मिलेगी। अगर इस पंप में कुछ भी खराबी आती है तो 6 मंथ के अंडर आपको इसका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। इस पंप में आपको 180 से लेकर 220 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। बात हम करें पावर कंज्यूमिंग की तो ये भी पंप 0.7 kW कंज्यूम करता है। अब हम दोनों कंपनियों के समरसेबल के प्राइस को एक दूसरे से कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा समरसेबल पंप हमें किस प्राइस में पड़ता है। दोस्तों, ये जो सीआरआई कंपनी का समरसेबल पंप है ये आपको 12,000 रुपया विद स्टार्टर और 1 साल की वारंटी के साथ देखने को मिलेगा। और ये जो जिंदल कंपनी का समरसेबल पंप है ये आपको 6500 से लेकर 7000 के बीच पड़ेगा, और इसके साथ आपको एक स्टार्टर भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों कंपनियों में से किन लोगों को कौन सी कंपनी का समरसेबल पंप को लेना चाहिए। तो जिन लोगों का बजट बहुत ही ज्यादा कम है और उनकी बोरिंग का साइज 4 इंच और उसकी गहराई 100 फीट के आसपास है, तो फिर ये जिंदल कंपनी का समरसेबल पंप उनके लिए बहुत ही सही रहेगा। ये आपको बहुत ही कम दाम में बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाती है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं होती है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो क्या ही कर सकते हैं, अगर बजट कम है तो फिर ये आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। और
अगर आपके पास बजट की कोई भी कमी नहीं है और आप क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो तो फिर ये CRI कंपनी का समर सेवर पंप आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आने वाले है जिसमें हम आपको घर बनाने के खर्च से लेकर घर को फिनिशिंग करने की खर्च की सारी जानकारी हम आपको देंगे। वैसे तो कई सारे ऐसे चैनल है जो आपको ऐसी जानकारी देते होंगे, लेकिन हम आपको बहुत ही सरल तरीके और बहुत ही सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इजी फिट को। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।